3 करोड़ की आबादी मगर 10% भी लोग पीते हैं कि ये 3 लाख बंदे नू रोज़ परमिट देंगे पास देंगे कि करफ्यू नू दौरान वह शराब जाके ठेके तो लेके आउण। ये बिल्कुल एक पंजाब दा ते पंजाबियों दा मजाक उड़ाने वाली गल हो गई। पंजाब विच पहले दिन तो ही खजाना खाली दा रौला पाया जांदा रहा अते हुण रहिंदी खुंदी कसर कोरोना वायरस ने कट दी है। इंडस्ट्री अते होर कारोबार ठप होण कारण पंजाब दा खजाना एक बार फिर तो खाली खड़कन लगे, जिस कारण पंजाब सरकार फिर तो चिंतावां विच डुब गई है। हुण सरकार ने इस खाली खजाने दे बोझ नूं हौला करन लई पंजाब दे ठेके खोलण दी ब्यौंत बनाई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह नूं पत्र लिख के सूबे च ठेके खोलण दी मांग कीती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार नूं 3000 करोड़ रुपए दे मुआवजे दी मंग केंद्र तों करदिआं शराब दी विक्री दी इजाजत भी मंगी है, जिस तों बाद हुण पंजाब सरकार विरोधियों के निशाने से भी आ गई है। अकाली दल मुताबक अज करफ्यू नूं सख्ती नाल लागू करन दी लोड़ है, ना कि शराब दे ठेके खोल के लोकां नूं घरों बाहर निकलने लई सद्दे पत्र देण दी। देखो अज ये बड़ी गल मजाक वाली लगी कि जिहड़ी पंजाब सरकार ने चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्टर नूं कि शराब सानूं ठेके खोलण दी इजाजत दित्ती जावे। अज किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां खोलियां गईयां जिहड़ियां एसेंशियल कमोडिटीज़ है, सब्जियां, फल, आटा, दाल, दुध, घ्यो, शराब नूं किस तरह असीं एसेंशियल कमोडिटीज़ विच लवांगे। ये एक नशा है, नशा जरूरी नहीं, नशा ऑप्शनल है, हर बंदे दी अपनी चॉइस है। तो खास तौर पर जब खास तौर पर सरकार लड़ाई नशे के खिलाफ लड़े तो इस वेले नशे नूं प्रमोट करन लई खोलिया जाए। मैं कहना एक मिनट ये लाओ कि जे सरकार हिंदुस्तान की इन्हां दी मंग मन भी लैंदी है फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन करन लई ये घर होम डिलीवरी करनगे, लॉ प्रोवाइड करता है। जे होम डिलीवरी नहीं करनगे समझो 3 करोड़ की आबादी मगर 10% भी लोग पीते हैं कि ये 3 लाख बंदे नू रोज़ परमिट देंगे पास देंगे कि करफ्यू नू दौरान वह शराब जाके ठेके तो लेके आउण। अज लोड़ है हालात विच करफ्यू नू स्ट्रिक्टली इनफोर्स करन दी, इको डिस्टेंस रखने लई सोशल डिस्टेंसिंग दी। उस मौके ठेकियां दा खोलना मैं समझना कि किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं हो सकता, ना लीगली, ना मॉरली, ना सोशली, एंड खास तौर पर एजे समय विच जब एक महामारी संसार विच पई होवे ते मौतां दा ढेर लग रहे होण, लाशां सामीआं ना जा रहीयां। श्रोमणी अकाली दल इस चीज़ को देखो, इस गल दा श्रोमणी अकाली दल किसी तरह भी हमायत नहीं कर सकदा। ये बिल्कुल एक पंजाब दा ते पंजाबियों दा मजाक उड़ाउण वाली गल होवेगी। उधर आम आदमी पार्टी ने भी कैप्टन की इस मंग ते खासे तंज कसे ने। आप मुताबिक मुख्यमंत्री कैप्टन ने पंजाब विच नशे खत्म करन दी सौं खाधी सी, पर सरकार हुण करोना दे बावजूद भी नशा खत्म करन लई कोई भी यतन नहीं करना चाहुंदी, उल्टा इस महामारी दे दौर विच शराब दी बिक्री दी इजाजत मंगन लगी है। कैप्टन साहब ने चोण मैनीफेस्टो च वादा कीता सी कि 4 हफ्तिआं दे विच मैं नशे दा जड़ों खत्म कर दूंगा। हुण कोविड-19 बेशक पूरे संसार वास्ते माड़ा समां, जे कैप्टन साहब दी मंशा हुंदी भी असीं नशा खत्म करना, हुण तां बॉर्डर भी सील है, हर पिंड सील होया पिआ, हुण तां उत्थों दे लोकां नूं थोड़ा थोड़ी सहूलत दे के नशे नूं छुड़ाउण दे वल पहलकदमी करते। पर कैप्टन साहब नूं पता भी जे असीं ठेके बंद करते नशा खत्म करता तो लोग ध्यान देणगे भी सरकार सानूं कितना राशन बंटती है। सरकार इस टाइम दे ध्यान हुण लोग सचेत हो जाणगे एक बेले बैठे भाई सरकार साडे लई की कर रही है। सरकार जे कैप्टन साहब ने अमित शाह जी नूं चिट्ठी लिखनी सी तां इह लिखदे भी जिहड़े बीबा हरसिमरत बादल जी आ 900 करोड़ दा रौला पा रहे आ भाई सानूं रौला 900 करोड़ रुपया आया जे तुसीं सानूं कदों ग्रांट रिलीज़ करदे आ। मैं बहुत ही हैरानी वाली गल है कि ठेके खुलण दी परमिशन, इहदा मतलब सरकार नशे दियां सौहां खा के वोटां लै सकदी है पर नशे ते कम नहीं करना चाहुंदी। मेरी कैप्टन साहब नूं बेनती है कि नशे दी थां भज्जण दी थां ते हुण तां तुसीं उह लिस्टां जनतक कराओ जिहड़े तुहाडे अफसरां ने राशन वंडिया, किन्ना उपरों आया चंडीगढ़ दफ्तर तों किन्ना तुहाडे तुरिया, किन्ना लोकां तक पहुंचिया, इहदे ते कम करो बजाय जां सरकार तों ग्रांट लियाओ। पंजाब साडा पहले ही अणगोलिया, इन्नियां निगूणियां जिहियां चीज़ां मंग के असीं अपने पंजाब नूं होर नहीं मना करीए। मुख्यमंत्री का मनना है कि सेहत अते राहत कार्यां दे मद्देनज़र पंजाब दे खजाने ते बोझ पै रहा है जो हर रोज वधदा ही जा रहा है। कारोबार अते उद्योग बंद होण कारण कोई माली मदद नहीं मिल रही, जिस कारण उन्हां समाजिक दूरी अते होर नियमां दी पालणा करदिआं करमवार कुछ इलाकों च शराब की विक्री की आग्या मंगी है।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।